जैसे आपने देखा होगा फ्लाईओवर के पास भी बिठा रखे हैं, और ये आपको बताना चाहती हूँ ये बिठाए किसने हैं, ये दिल्ली सरकार ने बिठा रखे हैं। देखिए यहाँ लगातार जिस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह कितने हजारों की संख्या में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं, और यहाँ पहले यहाँ तक था, अब ये पूरा आगे तक फैला हुआ है। जब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं आप लोग, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको किनारों पर झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई दिख जाएंगी। डीडी की जमीन के ऊपर रोहिंग्याज ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर आपको खाना भी बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको कपड़े भी सूखते हुए दिखेंगे, यहाँ पर आपको लोग नहाते हुए भी नजर आएंगे, बच्चे पोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो पालम फ्लाईओवर के पास हम लोग मौजूद हैं, जिसके नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण अक्सर देखने को मिलता है, और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं वो लगातार प्रयास करते हैं, और सुबह के वक्त जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो बहुत गंदी बदबू यहाँ शौच की आपको आएगी, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर शौचालय तो है नहीं। फ्लाईओवर के नीचे कहीं इन्होंने जगह बना रखी है, वहाँ उसके नीचे बच्चे शौच करते हैं, महिलाएं जो है शौच करती हैं ओपन में, जिसकी वजह से बहुत बदबू रहती है। ये जो मेरे लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है ये मंगलापुरी वार्ड के अंतर्गत आता है, यानी कि द्वारका विधानसभा में, और उस तरफ का जो हिस्सा है वो पालम विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो पार्षद है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ के निगम पार्षद मंगलापुरी वार्ड से नरेंद्र गिरसा है, जो लंबे समय से इस अतिक्रमण को साफ कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अब देखिए जैसे ही ये लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से लोगों ने अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। कैमरामैन आगे आओ, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान समेटना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि यहाँ अधिकारी होने आने वाले हैं, कार्रवाई होने वाली है। तो देखिए धीरे धीरे सामान भी समेटा जा रहा है, लेकिन नॉर्मल आप देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर आपको खाना भी बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको कपड़े भी सूखते हुए दिखेंगे, यहाँ पर आपको लोग नहाते हुए भी नज़र आएंगे, बच्चे पोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और अब सामान समेट रहे, कहाँ ले जा रहे हो बेटा सामान, कहाँ ले जा रहे हो ये? तो ये देखिए पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया इन लोगों ने खुद खाली कर दिया है। अब अतिक्रमण कहाँ तक फैला हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पालम फ्लाईओवर है जो कि गुड़गांव की तरफ जाता है, और पालम फ्लाईओवर के नीचे पहले यहाँ तक था, अब ये पूरा आगे तक फैला हुआ है। जब फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं आप लोग, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको किनारों पर झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई दिख जाएंगी, और ये दायरा लगातार फैलता जा रहा है, इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है, यहाँ से जब आप शाम के वक्त गुजरते होंगे तो यहाँ पर आपको लोग खाना बनाते हुए भी नज़र आते होंगे, प्रदूषण फैलाते हुए नज़र आते होंगे, गंदगी यहाँ चारों तरफ मिलती है, और अतिक्रमण की वजह से चारों तरफ यहाँ पर आपको न सिर्फ गंदगी नज़र आएगी, प्रदूषण भी नज़र आएगा, और लोगों के कपड़े भी सूखते नज़र आएंगे। पार्षद नरेंद्र गिरसा लंबे समय से इसे यहाँ से सफाई कराने की जो है प्रयास कर रहे हैं, और आज अधिकारियों का दौरा भी है। गिरसा साहब, आज क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है? देखिए यहाँ लगातार जिस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह कितने हजारों की संख्या में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं, और यहाँ ना तो टॉयलेट की व्यवस्था क्योंकि इतने आदमियों के लिए, और लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं से मतलब भीख मांगते हैं और यहाँ इसके नीचे लेट जाते हैं, जहाँ आए दिन एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, कहीं हो भी चुके एक्सीडेंट, और लगातार लोग इलीगल जो एक्टिविटी है उसको भी मतलब लोग शिकायतें कर रहे हैं, कॉलोनी के अंदर भी कुछ तरह की ऐसे वो चोरियाँ वगैरह बढ़ रही हैं, तो लोग शिकायत करते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नजफगढ़ जोन में भी मीटिंग थी, उसमें जब वो रखा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई यहाँ का डीसी और चेयरमैन को मिलकर यहाँ का दौरा करते हैं, और किसी तरीके से अब भाई ऊपर अधिकारियों पे वो डाल के हम इसको यहाँ से साफ कराएंगे। नहीं, पालम गांव की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क की हालत भी बहुत ख़राब है, डीडी की ज़मीन के ऊपर रोहिंग्याज ने कब्जा किया हुआ है। बहुत टाइम से रोहिंग्या बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पे भावनागौड़ जिले में देखा था, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया है, और इसके लिए हमने सांसद जी से भी कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या बसे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो सांसद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो डीडीए के चीफ को लेके आएंगे, एलजी साहब को लेके आएंगे, और यहाँ से ये जो रोहिंग्या बैठे हुए हैं हमारे स्कूल के पास में, एक तो इतनी गंदगी कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा का मामला है, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं वो लोग। तो इसके लिए हमने एलजी साहब से भी गुजारिश की है, और अपने सांसद साहब से भी किया है, और सांसद साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि वो एलजी साहब को लेके आएंगे और यहाँ से इन सभी रोहिंग्यास को हटाएंगे। मैम, ऐसा क्या है कि सांसद भी पार्षद भी जो है डर रहे हैं, क्यों नहीं?
नहीं, हम कोई डर नहीं रहे हैं, ये डीडीए की लैंड के अंदर आता है तो यहाँ पे एलजी साहब को लेके आएंगे, ये एमसीडी के अंडर में नहीं आता है, लेकिन एमसीडी यहाँ से लगातार इनको यहाँ से हटाती रहती है, ये फिर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने एलजी साहब से अपना निवेदन किया है कि आप इनको यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा फ्लाईओवर के पास भी बिठा रखे हैं, और ये आपको बताना चाहती हूँ ये बिठाए किसने हैं, ये दिल्ली सरकार ने बिठा रखे हैं, इन लोगों की वोटें बनवा रखी हैं और ये जाली वोटें डलवाते हैं। ये जी अतिक्रमण बहुत दिन से चल रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, यहाँ मल्टी एजेंसीज हैं, डीडीए है, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, अब इन यहाँ पर देखो डेली वॉकर्स कोई जा नहीं सकता, इतनी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, बुरा हालत है यहाँ पर, चोरी चपाड़ी होती है, ओपन भी ये नेचुरल कॉल्स करते हैं सारे, यहाँ तो ट्रैफिक सारा दिन जाम रहता है, जब आप देखो जब ग्रीन लाइट होगी तब ये सामने आके उसके हट जाते हैं। क्या कहेंगे सर, बहुत सारी शिकायतें इसकी जा रही थी, इसकी बहुत है, एक पोस्ट जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे इनको उठा देते हैं, ये फिर दोबारा आ जाते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। आज अधिकारी आने वाले थे, पेच कहाँ फंस रहा है आज? पेच RWA वाले फंसा रहे हैं हमारे, आपस की नहीं बन रही है इनकी। RWA वालों की? RWA कहाँ से आ गई? पता नहीं, RWA की तो कॉल थी। ये वही बात है सर जो ये सर कह रहे हैं। कितनी परेशानी होती है, कैसा नज़ारा दिखता है सर? एक्सीडेंट का बहुत रहता है यहाँ, हम संख्या में लोग यहाँ बस गए हैं, यहाँ देख लो कम से कम हजारों आदमी रह रहा है सर, कम से कम शाम के टाइम आप देखोगे यहाँ आके, यहाँ से मदर डेयरी के बूथ तक, पेट्रोल पंप तक ये रहते हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।